रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, तो वहीं सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सपा विधायकों ने मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव के दौरान धांधली करने का आरोप लगाकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। फिर बजट पर भी चर्चा शुरू हुई। दरअसल अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमने जो कहा वो हमेशा पूरा किया है, 5 साल का परिवर्तन आपके सामने है। उन्होंने आगे कहा कि एक समय यहाँ दंगे होते थे, इसे बीमारू राज्य कहा जाता था, यहाँ कोई विजन नहीं दिखता था, लेकिन अब प्रदेश के लिए सोच बदली है, लोगों में विश्वास आया है। कोरोना कालखंड में लोगों को ये लगता था कि ये जो 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए हैं कहां जाएंगे, क्या होगा इनका। मैं कहता यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में हमारे लिए बहुत चैलेंज नहीं है, वे यूपी के नागरिक हैं, हम यूपी में उनका स्वागत करेंगे और यूपी में उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। स्किल मैपिंग कराई गई और यहां पर पहले से ही किसी कालखंड में देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो क्लस्टर मौजूद था, ऐसे 90 लाख यूनिट जो देश प्रदेश के अंदर मौजूद थे, 2018 में हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हर एक व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। कोविड प्रबंधन का एक मॉडल प्रदेश ने देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल की उपलब्धियां भी गिनाई। यूपी ने साबित किया कि ये प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने लगातार 5 साल से वित्तीय प्रबंधन का लोहा मनवाया है। यूपी आज एक्सपोर्ट का हब बनता जा रहा है। 2017 से अब तक 35 से अधिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। सरकार मार्च से जून तक सभी मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित करने जा रही है। खैर, देखने वाली बात ये भी होगी कि सदन की आगे की कार्यवाही में और कौन कौन से प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।